हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपर्णा वंडर वर्ल्ड। आज हम फज ब्राउनी बनाने वाले हैं, तो ये आप प्लेन भी खा सकते हैं या टी कॉफ़ी के साथ भी खा सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे 15 सेकंड्स माइक्रोवेव करेंगे या हल्का सा गर्म करेंगे एंड देन इसके ऊपर आइसक्रीम डाल के खाएंगे तो उसका टेस्ट बहुत ही औसम आता है। ये एक बार ट्राई ज़रूर करना। तो चलिए बनाते हैं फज ब्राउनी। इन्ग्रीडियंट्स देखते हैं हम अपने फज ब्राउनी के। शुगर 1 कप, चॉकलेट चिप्स 2 कप्स। तो ये सेमी स्वीटेंड चॉकलेट चिप्स ली मैंने, आप अनस्वीटेंड भी ले सकते हैं और डार्क चॉकलेट भी ले सकते हैं। देन मैदा ऑल पर्पज़ फ्लावर 2/3 कप, देन बटर 2/3 कप, एग्स लेंगे 2, देन अनस्वीटेंड कोको पाउडर लिया है मैंने 2 टीस्पून, बेकिंग पाउडर 1/4 टीस्पून, पिंच सॉल्ट लेंगे, वनीला एक्स्ट्रैक्ट या वनीला एसेंस 1 टीस्पून। देन डेकोरेशन के लिए मैंने गोल्डन स्पार्कल्स लिए हैं, एनी ऑप्शनल है। एंड ऑल्सो मैंने वाइट चॉकलेट जो है वैसे कोन में फिल कर लिए है, ये भी डेकोरेशन के लिए है, ये भी ऑप्शनल है। एंड मैंने बेकिंग ट्रे रेडी करके रखा हुआ है, तो इसको मैंने ग्रीस कर लिया है, बटर लगा लिया है, पार्चमेंट पेपर लगा लिया अच्छे से। ओके, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो एक पैन में मैंने पानी भर लिया है और आज हम डबल बॉयलर मेथड यूज़ करेंगे। ओके, तो मैं इसके ऊपर ये से बाउल रख रही हूँ एंड अब हम इसमें ये बटर डालेंगे एंड ये चॉकलेट्स भी डालेंगे। तो मैं ये मेथड यूज़ कर रही हूँ डबल बॉयलर। आप डायरेक्ट माइक्रोवेव में भी इसको ऐसे पिघला सकते हैं। तो ये फज ब्राउनीज जो हैं वो आप 3 टाइप्स की बना सकते हैं और उनका क्या डिफरेंस होता है वो मैं आगे बताती हूँ। तो देखिए 2 मिनट हो गए हैं और ये बटर और चॉकलेट बहुत अच्छे से मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है। तो 3 टाइप्स में, फर्स्ट टाइप जो है फज ब्राउनी आप बना सकते हैं, सेकंड फज ब्राउनी केक होता है एंड थर्ड चुई ब्राउनी आप बना सकते हैं। तो इनका डिफरेंस क्या है, जो फज ब्राउनी है उसमें आप चॉकलेट एंड बटर जो है वो ज़्यादा लेते हैं एंड जो फज ब्राउनी केक होता है उसमें हम मैदा यानी ऑल पर्पज़ फ्लावर का प्रोपोर्शन ज़्यादा डालते हैं और उसमें बेकिंग पाउडर भी डलता है। थर्ड जो है वो चुई काइंड ऑफ ब्राउनी होती है, तो उसमें आप ब्राउन शुगर ले सकते हैं, मतलब गुड़ की शुगर होती है वो आप डालेंगे तो उसका टेक्सचर वैसा चुई सा आता है। तो ये 3 प्रकार की जो ब्राउनी होती है, तो ये अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। ये देखिए ये अच्छे से मेल्ट हो गया एंड अब इसको हम थोड़ी देर कूल होने के लिए रखेंगे। ओके, ठंडा होने के लिए रखेंगे अच्छे से। तो चलिए नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो एक बाउल लेंगे, उसमें शुगर डाल रही हूँ, देन ये एग डालेंगे। अब इसे अच्छे से बीट करेंगे, तो करीब 1 से 2 मिनट तक बीट करेंगे हम और ऐसा हमें क्रीमी टेक्सचर मिलेगा। एंड देन फिर इसमें वनीला एक्सट्रैक्ट डाल रही हूँ मैं। एंड अगेन बीट करेंगे, देन 3-4 सेकंड बीट करने के बाद अब हम ये चॉकलेट वाला मिक्सचर इसमें डालेंगे। देन अगेन इसको अच्छे से बीट करेंगे। तो इलेक्ट्रिक बीटर की जगह आप नॉर्मल वायर विस्क भी ले सकते हैं और उससे भी आप अच्छे से फेंट सकते हैं, बस थोड़ा ज़्यादा देर फेंटना पड़ेगा। तो मैंने ओवन को प्री हीट होने के लिए रख दिया है 355 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी अप्रॉक्स 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब हम इसमें हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। तो मैं ये मैदा डाल रही हूँ, यानी कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर, पिंच सॉल्ट। इसको अच्छे से स्विफ्ट करते हैं, इसको मिक्स करते हैं अच्छे से। और अगर आपको थोड़ा सा क्रंची चाहिए है ब्राउनी तो आप इसमें कोई भी नट्स डाल सकते हैं, काजू, बादाम या पाइन नट्स या किसी भी प्रकार का ड्राई फ्रूट्स आप डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। के स्पैचुला से मिक्स करने के बाद अब मैं इसको बीट करूंगी अच्छे से। तो हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया, बीट कर लिया। ओके, अब इसे हम बेकिंग ट्रे में ट्रांसफ़र करेंगे। तो इसे मैं बेकिंग ट्रे में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। तो इसको टैप करेंगे तब ये स्ट्रेट ओवन में जाएगा। इसको हम 30 मिनट्स के लिए रखेंगे और जो भी टाइम एक्स्ट्रा लगेगा अगर, तो मैं आपको टोटल टाइम एक साथ बताऊंगी।
ओके। लेकिन आप 20 मिनट्स बाद चेक ज़रूर करें, ओके, क्योंकि आपके पैन पे एंड बैटर पे जो कंसिस्टेंसी है बैटर की, उस पर डिपेंड करता है कि आपका जो ब्राउनी है वो बेक होने में कितना टाइम लेगी। तो 20 मिनट्स बाद आप चेक ज़रूर कर लें। देखिए मैंने इसे ओवन से निकाल लिया है, ओके, और हमारे ब्राउनी को टोटल 40 मिनट्स लगे बेक होने के लिए। तो अब इसे हम ठंडा होने देते हैं, 10 to 15 मिनट्स इसे ठंडा होने देते हैं, देन फिर जो भी डेकोरेट करना होगा वो करेंगे, ओके। तो 15 मिनट्स हो गए हैं, हल्का ठंडा हो गया है, तो इसको कॉर्नर से अब लूजन अप करते हैं, इसको अच्छे से निकालते हैं। पार्चमेंट पेपर भी निकाल दिया हमने, देखिए इसको मैं एक ट्रे में रखती हूँ, अब इसको कट करेंगे। और आप चाहें तो इसके एजेस भी कट कर सकते हैं, ओके। तो हमने कट कर लिया, अब इसको हम डेकोरेट करेंगे। वापस से मैंने इसको रैक पर रख लिया है, तो ये हल्के ठंडे भी होते रहेंगे। और इस पर अब हम ये वाइट चॉकलेट में बताई थी कोन में मैंने फिल कर लिया, और इससे अब हम इसमें डिज़ाइंस बना सकते हैं। तो फर्स्ट ब्राउनी पे मैं सिंपल लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ, एंड देन नेक्स्ट पे मैं अपर्णा वंडर वर्ल्ड लिखूँगी। देन नेक्स्ट पे हम सिंपल से डिज़ाइन बनाएंगे। तो मैं फर्स्ट की 2-3 पेटल्स एंड लास्ट की पेटल्स दिखाऊंगी, एंड वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैंने कट कर लिया है, आप पॉज करके उसको ड्रॉ कर सकते हैं। देन नेक्स्ट मैं हार्ट शेप बनाऊंगी एंड उसमें नाम लिखूंगी, आप भी अपने लव्ड वंस का नाम लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट मैं हिना के डिज़ाइन, मेहंदी की जो डिज़ाइन होती है उससे थोड़ा सा इंस्पायर होके छोटी सी डिज़ाइन बना रही हूँ। और जैसे मैं इस पर डायरेक्ट ये डिज़ाइंस बना रही हूँ या लिख रही हूँ, आप उस तरह से इसके ऊपर चॉकलेट गनाश भी लगा सकते हैं, एंड देन फिर उसमें डेकोरेट कर सकते हैं, या नट्स भी डाल सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं ऊपर से अपनी चॉइस के। और यहाँ पे भी प्लेन स्ट्रेट लाइंस का ही कॉम्बिनेशन है, इसलिए मैं वीडियो थोड़ा सा कट करूँगी एंड फाइनल आप देखेंगे। तो इस ब्राउनी पे मैं अपना नाम लिखूंगी, बट इस पार्ट को मैं कट करती हूँ एंड चलते हैं नेक्स्ट ब्राउनी पे। एंड दिस लास्ट ब्राउनी पे मैं सेमी सर्कल्स की तरह डिज़ाइंस बना रही हूँ, और इसी तरह एक के ऊपर एक ऐसे 5-6 राउंड्स करूँगी, ओके। तो देखिए इस तरह से ऐसे डिज़ाइंस डाल सकते हैं, या कोई भी नेम और टाइटल भी लिख सकते हैं। इसमें जैसे मैंने अपने हस्बैंड का नाम लिखा है, ये देखिए, और इसको अभी थोड़ी देर ठंडा होने देते हैं और सेट होने देते हैं डिज़ाइंस को, ओके। देखिए अच्छे से ठंडा हो गया ये,
इस पर मैं ये ब्राउनी रखती हूँ। और ये हमने गोल्डन स्पार्कल्स जो लिए थे ये इसमें स्प्रिंकल करेंगे। ये देखिए, और मैं ऐसे ही सारों में स्पार्कल डाल देती हूँ। देखिए इसको तोड़ के भी दिखाती हूँ ब्राउनी को। टेक्सचर देखिए, बहुत अच्छा टेक्सचर आया है। ये देखिए, ये देखिए, बहुत मॉइस्ट भी बनी है हमारी ब्राउनी, बहुत अच्छी बनी है, टेक्सचर भी बहुत अच्छा आया है। ओके, तो ये है हमारी सुपर मॉइस्ट फज ब्राउनी। एंड इफ़ यू लाइक दिस रेसिपी, हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।